बड़े दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि हमारा देश ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन की तरफ बढ़ रहा है, अंधापन की महामारी। ब्लाइंडनेस दो तरह से होती है, एक तो होती है फिजिकल ब्लाइंडनेस जब आपको फिजिकली कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा होता है मेंटल ब्लाइंडनेस, आपकी आंखें तो काम कर रही है लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा। तो यहाँ मैं दो घटना की बात करूंगा, इंसिडेंटली दोनों के दोनों घटना 3 सितंबर को हुआ अभी, लेकिन शायद प्रोपेगेंडा मीडिया ने उसको आप तक उस तरह से नहीं पहुंचाया जिस तरह से वो पहुंचाना चाहिए था। क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ? याद कीजिए अपने बचपन में किसी न किसी समय जब आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हैं लंच या डिनर में और अचानक आपकी मम्मी बोलती है अरे नमक तो लाना भूल ही गए, जाओ जाके नमक ले आओ, किचन में पड़ा हुआ है। लेकिन आप थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, आप बोलते हेजिटेट होते हैं, नहीं नहीं नमक मुझे नहीं मिलेगा, आप खुद ही जाके ले आओ। आपकी मॉम आपकी मम्मी इंसिस्ट करती है अरे वो किचन में स्टोव के साथ ही रखा है जाके ले आओ, लेकिन आप फिर भी मना करते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं मिलेगा। अब आपकी मॉम थोड़ी स्ट्रिक्टली बोलती है जाओ जाके नमक ले आओ। आप जाते हैं नमक लाने के लिए और पूरा किचन देखते हैं, स्टोव के पास भी देखते हैं और वहीं से आवाज़ लगाते हैं नमक मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। आपकी मॉम दूसरे कमरे से डाइनिंग रूम से बोलते हैं कि नमक वहीं रखा है देखो स्टोव के पास आपको मिल जाएगा, लेकिन आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं नहीं मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अब आपकी मॉम उठ के आती हैं और आपको दिखाती हैं देखो नमक वहीं रखा है जहाँ मैंने बताया था, आप यहीं खड़े फिर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा। क्या ऐसा कभी हुआ है? अगर ऐसा कभी हुआ है तो इसे आप बोल सकते हैं मेंटल ब्लाइंडनेस। आप देखना ही नहीं चाहते, आपने पहले अज्यूम कर लिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो दिखेगा ही नहीं। तो इस तरह का एक माहौल पूरे देश में बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूं 3 सितंबर को जो घटना सामने आई झारखंड से, जहां पे पुलिस भर्ती के लिए जो फिजिकल टेस्ट कराया जा रहा था उसमें 12 एप्लीकेंट्स की डेथ हो गई, दौड़ते हुए उनकी मौत हो गई, 400 और जो कि बेहोश हो गए वो मरते मरते बच गए। ये कोई छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इंसिडेंटली यहाँ पे एक मेंटल ब्लाइंडनेस का रूप देखने को मिला, जहाँ पे ऑब्वियस कारण पता होते हुए भी अखबारों में प्रोपेगेंडा मीडिया में ये आ रहा है कि पता नहीं कैसे डेथ हो गई। वो पता नहीं कैसे डेथ होगी, वही वाली बात है, पता नहीं नमक क्यों नहीं दिखाई दे रहा जबकि सामने पड़ा है। आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपको पता चल गया कि वो 12 डेथ का कारण क्या है। ये सारा प्रूवन हो चुका है, वो जग जाहिर हो चुका है, उसके बाद भी जो असली वजह उसको देखने की वो उसको अनदेखा किया जा रहा है। तो ये तो हुई बात मेंटल ब्लाइंडनेस की। जो गलती आपने 2021-2022 में की, मैं इशारा कर रहा हूँ दो खुराक की तरफ, उस गलती की वजह से अभी ये यंगस्टर को भुगतना पड़ रहा है। मतलब साफ है कि अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने ये गलती की 2021-2022 में, तो अगर कभी कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो गलती से भी भागिए मत, लेट इट बाइट, काटने दीजिए, क्योंकि भागते ही आपका शरीर भागने लायक बचा ही नहीं है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं आपको भी हार्ट अटैक ना आ जाए। तो खैर आपके दिमाग में फिर एक सवाल आएगा, कुत्ता काट लेगा तो क्या करेंगे हम, उसके ऊपर मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी बात करता हूं दूसरी घटना की जो 3 सितंबर की है, इसे मैं घटना ही बोलूंगा। 3 सितंबर को एक नई दवाई की लॉन्चिंग हुई है, इसका नाम दिया गया प्रेस वू। अब ये दवाई क्या है जानने की कोशिश करते हैं दवाई वाले से, देखिए छोटा सा वीडियो फिर वापस आते हैं। दीज आई ड्रॉप्स आर इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रेस बायोपिया and we've developed it in-house in India. We've not had any foreign collaborations in this project. Everything has been done from scratch. We started this research project in 2019, developed the formulation, applied for a patent, thereafter subjected it to clinical trials in India. So this has been thoroughly tested in India. And we're excited about the launch, and we believe this will be a great boon in when it comes to eye care. अब आपने वीडियो देखा, ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं कि इसके बाद चश्मा उतर जाएंगे और ये दवाई की वजह से बिना चश्मे को सब से ही आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो पहले तो इन जनाब से पूछिए जिन्होंने ये दवाई लॉन्च की, उन्होंने इतना मोटा चश्मा क्यों पहना हुआ है। पहले तो वो अपना चश्मा उतार के दिखाए और अपने आप को ठीक करके दिखाए। लेकिन ये सवाल कोई पूछने नहीं वाला, वही वाली बात है मेंटल ब्लाइंडनेस। जिन लोगों ने ये दवाई लॉन्च की वो खुद ही मोटे मोटे चश्मा पहने हुए हैं और फिर वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी दवाई बना दी जिससे लोगों के चश्मा उतार देंगे। खैर उस दवाई के ऊपर आते हैं, उनका ये दावा है कि कोई नया खोज, नया आविष्कार, एक नया इंडिजिनस भारत में कोई नया एक बहुत बड़ा एक काम हो गया है। जबकि असलियत यह है कि यह दवाई के अंदर जो केमिकल है उस केमिकल का नाम है पिलोकार्पाइन। ये जो एक केमिकल है इसकी डिस्कवरी हुई थी 1874, डेट है, ईयर है 1874,
यानी कि इसके डिस्कवरी में हुए 150 साल हो गए और इसको 1970 तक यूज़ करते करते ये पता चल गया कि इससे अंधापन बढ़ जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से हज़ारों रिसर्च पेपर इसके हैं। अगर आपको रिसर्च पेपर देखना है और तो ये स्क्रीन पे दी हुई लिंक में जाकर देख सकते हैं। इसीलिए इस केमिकल को अबैंडन कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। कभी कभी इसका उपयोग होता है चूहों में सीजर यानी कि फिट्स अगर दौरे डालने हों, इंड्यूस करना हो तब यूज़ होता है। चूहों के अंदर फिट्स आर्टिफिशियली इंड्यूस करना हो तो ये केमिकल यूज़ होता है। ये इतना खतरनाक केमिकल है। लेकिन इसी केमिकल को ये शो करके कि देखो जी एक नया आविष्कार है, आपके सामने प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से पेश कर दिया गया। होने वाला यही है कि जिन लोगों का विश्वास प्रोपेगेंडा मीडिया पर अभी भी है, वो आँख बंद करके ये ड्रॉप लगाएंगे और फिर वो एक्चुअली रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा तो वो पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे। ऐसा ही होता रहा है, अंधे लोग हो चुके हैं। और लेकिन अभी तो दुख की बात यह है कि हमारे भारत के डॉक्टर्स शायद वो मेंटली अंधे हैं। वो सारे रिसर्च पेपर जिसमें ये जग जाहिर है कि इस दवाई से अंधापन बढ़ जाता ना कि घटता है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में होते हुए भी उन रिसर्च पेपर को इग्नोर करके इसी दवाई को प्रमोट कर रहे हैं। या फिर कोई डॉक्टर सामने आके नहीं बोल रहा कि भाई ये कोई दवाई आंखों को ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो आपके अंधापन को और बढ़ा देगा। तो खैर, आप मेंटली ब्लाइंड मत रहिए। जो स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक है, इस लिंक में जाके खुद ही वो सारे रिसर्च पेपर जो मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं 1974 से लेके 2024 तक के रिसर्च पेपर, जिसमें बार बार ये देखा गया है कि ये वाला केमिकल पिलोकार्पाइन से रेटिनल डिटैचमेंट और इस तरह के बहुत सारे और साइड इफेक्ट होते हैं, जिससे थोड़ा बहुत जो चश्मे से दिखता है वो भी दिखना बंद हो सकता है या हो जाता है। तो यानी कि अगर मान लेते हैं प्रोपेगेंडा की मीडिया की बात अगर मान लिया जाए, तो हमारे देश में आज की तारीख में अगर हम स्कूल के बच्चों की बात करें, हर तीसरा बच्चा चश्मा पहना हुआ है। तो यानी कि इट इज़ अ पोटेंशियल केमिकल टू बी यूज्ड बाय दोज चिल्ड्रन। और होने वाला यही है कि इन बच्चों में या बड़ों में जिन्होंने चश्मा पहना, इस सोच के साथ कि इससे मेरे चश्मे से पीछा छूट जाएगा, होने ये वाला है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि अंधापन के केस आने लगेंगे। फिर होगा क्या, वही हुआ जो अभी हुआ थोड़े दिन पहले कि ये फिर ड्रग बैन हो जाएगा। लेकिन तब तक इसके जितना व्यापार करना था, जितना उनको इससे बिजनेस करना था, वो लाभ मिल चुका होगा और चुपचाप इसको मार्केट से हटा लिया जाएगा, जैसा इतिहास में हमने देखा। तो करना क्या होगा, आप में से वो लोग जो चश्मा पहन के ये अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं और गलती से अगर आप उनकी बातों में आ गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार ये वीडियो देखने लायक भी आप ना रह जाएं। बड़ा हार्श वर्ड है, लेकिन ये सच्चाई तो यही है। तो अगर आप सही मायने में चश्मे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं जो DIP डाइट लेते हैं, DIP डाइट प्लस शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज जब करते हैं, तो वो बताते हैं कि 3 महीने के अंदर उनका चश्मा छूट गया, उनका ग्लूकोमा कैटरैक्ट ठीक हो गया। शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज बड़ा सिंपल है। अब देखिए, ये शोल्डर रोटेशन है जो 10 बार करना होता है एक साइड, 10 बार दूसरा साइड करना होता है। ये नेक मूवमेंट एक्सरसाइज है जो 10 बार दोनों तरफ ऊपर नीचे करना होता है या चारों तरफ करना होता है, राइट। तो ये शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन, आई रोटेशन मतलब आप मेरी आंखों की तरफ देखिए, ये दिस इज कॉल्ड आई रोटेशन। एक तरफ मैंने किया, दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। पहले किसी की हेल्प ले सकते हैं जो आपकी आंखों को गाइड करेगा विद द फिंगर, ताकि उसको ठीक से कर पाए। ये 15-20 मिनट किसी भी समय कर लेंगे अलॉन्ग विद द DIP डाइट, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 3 महीने में आपका नेचुरली आंखें ठीक हो जाएंगी और आपका चश्मा छूट जाएगा। इतना छोटी सी बात है। और जिनको DIP डाइट नहीं पता, उनके लिए DIP डाइट पे मेरी किताब दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड बेस्ट द DIP डाइट, इसकी रिलीजिंग डेट है 28th of September, भगत सिंह जयंती के दिन। तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, और या फिर आप सोशल मीडिया में हजारों लोगों ने DIP डाइट को एक्सप्लेन किया है जब वो ठीक हुए हैं, तो वो देख सकते हैं। तो DIP डाइट वाली किताब अगर आपको खरीदना है, तो प्री ऑर्डर कर सकते हैं। लॉन्च से पहले अगर प्री ऑर्डर करते हैं, तो 50% डिस्काउंट में स्क्रीन पे दिए लिंक से आप बुक करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको DIP डाइट वाली किताब फ्री में ही चाहिए बाय कुरियर, तो इसका एक तरीका है। ये तरीका मेरे फॉलोअर्स के लिए है, आप में से वो लोग जिन्होंने DIP डाइट अपनाया और उनको फायदा हुआ, किसी भी तरह के फिजिकल डिजीज से उनका पीछा छूटा, तो एक छोटा सा वीडियो आप बनाइए, बना के अपने सोशल मीडिया में किसी में फेसबुक यूट्यूब में डालिए और उसका लिंक मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। तो उससे और साथ में अपना एड्रेस भी भेजिए विद पिन कोड, ताकि मैं जो
फर्स्ट कॉपी है किताब के रिलीज होते ही आप तक फ्री में डिलीवर कुरियर से करा पाऊँ। और आप में से वो लोग जो इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी DIP डाइट या उससे कैसे यूज़ करें ये जानना चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने एक प्रोविज़न किया है। 28th of September भगत सिंह जयंती के दिन दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आपको मिलूंगा, जिस दिन कॉन्वोकेशन भी है। हमारे फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन का 3 मंथ्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरा किया है, तो वो जो लाइव मेरा ट्रेनिंग होगा करीब 2 घंटे का होगा, उस ट्रेनिंग में मैं आपको बहुत सारे टेक्निक्स बताऊंगा, DIP डाइट की हम चर्चा करेंगे, 7 टाइप ऑफ DIP डाइट, अलग अलग बीमारियों में किस तरह से लेना है। इरादा सिर्फ इतना है कि जहां कहीं भी हैं घर बैठे ही आप स्वस्थ हो जाएं, एंड दैट इज पॉसिबल विद द वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। तो खैर मिलते हैं 28th of September आइदर फिजिकली अगर आप हमारे CIM के स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्चुअली अगर आप इच्छुक हैं DIP डाइट के बारे में जानने के लिए। और रहा सवाल कुत्ते के काटने का, तो इस किताब में उसके जिक्र भी है, उसका सलूशन क्या है उस तरफ भी हमने बात की है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। मेरे पास दवाई है, वैक्सीन है, केमोथेरेपी, इंसुलिन भी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास DIP डाइट है भाई। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।